Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू testbook.com. गाइस, स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर्स के इस डेली शो के अंदर, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं पूरे वीक के टॉप 50 एमसीक्यूज के ऊपर. सो आई होप सभी स्टूडेंट्स यहां पे जुड़ चुके होंगे. सो आज के इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर लास्ट वीक के जो टॉप 50 करंट अफेयर्स हैं उन सभी के ऊपर हम लोग बात करेंगे. और काफी इंपॉर्टेंट सेशन है गाइस, अगर हम लोग बात करें, क्योंकि लास्ट वीक के अंदर बहुत सारे ऐसे अपडेट्स जो कि एग्जामिनेशन व्यू पॉइंट से काफी इंपॉर्टेंट है. सो एक बार जल्दी से कंफर्मेशन दे दीजिए कि आपको सभी को साउंड क्लियर है, यस और नो, जल्दी से. और साथ ही साथ बताएं कई कैसे हैं सभी लोग, ठीक है. जैसे बहुत सारे स्टूडेंट जिनके कमेंट्स में मैं पढ़ पा रहा हूँ, ठीक है. मेघना, पल्लवी, ओम प्रकाश, पंकज, विकी, आई एम वेरी गुड. इसके अलावा गौरव हमारे साथ जुड़े हैं. सो गाइस, जल्दी से एक बार कंफर्मेशन दे दें कि कैसे हैं सभी लोग, ठीक है. और ऑडियो सभी को क्लियरली मिल रहा है, यस और नो, ठीक है. देन हम लोग आपका सेशन को स्टार्ट करेंगे. सो आई होप ऑडियो एंड वीडियो क्लियरली आप लोगों को मिल रहा होगा और आप लोगों का एग्जामिनेशन प्रिपरेशन भी काफी अच्छा चल रहा होगा. आज की गाइस, अगर हम लोग बात करें आज के इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर, तो लास्ट वीक के जो टॉप 50 क्वेश्चन है उनको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, और जो कि काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन व्यू पॉइंट से, ठीक है. सो थोड़ा सा रैपिड फायर में चलेंगे, और जो भी पॉइंट्स नहीं समझ में आते हैं आप मुझे कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हैं, ठीक है. सो डिस्कशन भी किया जाएगा, एक लाइट डिस्कशन भी हम लोग रखेंगे, और साथ ही साथ जितने भी इवेंट्स आपका है, जितने भी अपडेट्स हैं, उन सभी को भी हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं. सो हाँ, गुड टू गो. बहुत सारे स्टूडेंट्स आपका जो मैसेज करें गाइस, हाँ, जो जितने भी स्टूडेंट जुड़े हैं एक बार सेशन को शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक जरूर करें, ठीक है. सो अपने जितने भी स्टूडेंट्स ग्रुप हैं उनके अंदर एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि मैक्सिमम स्टूडेंट जिनको इसका बेनिफिट मिल सके. सो काफी इंपॉर्टेंट सेशन है गाइस, ठीक है, इस सेशन के अंदर, क्योंकि लास्ट वीक के अंदर ना जो अपडेट्स हैं वो एग्जामिनेशन ओरिएंटेड काफी आता है, ठीक है. सो अभी सब कुछ सही आ रहा है, क्लियर, यस और नो, एक बार कंफर्मेशन दे दें और लाइव चला जाए, क्वेश्चंस के ऊपर चलें, ये भी आप कंफर्मेशन मुझे दे दीजिए, ठीक है. सो रेडी है सभी लोग, पेपर पेन के साथ अपना स्कोर भी लिखते जाइए. लास्ट वीक के अंदर जितना भी आपको पढ़ा है उसके ऊपर ही क्वेश्चंस बनाए गए, इसके अलावा कुछ नए क्वेश्चन जो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है. सो हाँ, एवरीथिंग इज गुड, ओके, नीतू, नेहा, मेघना, मनीष, हाँ चलो रेडी हैं सब लोग, यस और नो, एक बार जल्दी से यस लिख दीजिए, देन सेशन को स्टार्ट करते हैं, और सेशन को शेयर जरूर करें और लाइक जरूर कीजिएगा. सो गाइस, अगर हम लोग बात करें इस पूरे इवेंट्स का या इस पूरे सेशन का, जिसमें दिन भर के अंदर जितने भी अपडेट्स या लास्ट वीक के अंदर जितने भी अपडेट्स हैं उन सभी के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं. तो स्टार्ट करते हैं, हाँ सभी लोग आपका यस यस यस, वेरी गुड. हाँ तो गाइस, पहला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन के ऊपर है, ठीक है, आपको क्वेश्चन को रीड करना है और उसका करेक्ट आंसर हमें मार्क करना है, ठीक है. सो जो इवेंट्स है थोड़ा ज्यादा है, नंबर ऑफ इवेंट थोड़ा ज्यादा है, ठीक है. सो सारे उनके ऊपर चलेंगे, इसके अलावा जल्दी से एक बार सेशन को शेयर जरूर कर दीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है. सो हाँ यस, बिल्कुल सभी लोग रेडी हैं, वेरी गुड गाइस. सो गाइस, अगर हम लोग बात करें फर्स्ट क्वेश्चन का, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ऑलरेडी जो आपको देखने के लिए मिला है, ठीक है. और क्वेश्चन किससे रिलेट करता हुआ आपका, उन्नयन, मेरा मोबाइल मेरा विद्यालय. तो एक एप्लीकेशन आपका लास्ट वीक के अंदर एक स्टेट के द्वारा लॉन्च किया गया था. जनरली जो भी स्टूडेंट्स आपका लॉकडाउन के चलते हुए कहीं ना कहीं आपका उनकी क्लासेस को एयर इंडिया के थ्रू रन करने के रिगार्डिंग ये एप्लीकेशन आपका डेवलप किया गया था. तो किस स्टेट के द्वारा ये किया गया, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया. तो जो राइट आंसर होगा यहाँ पे क्या होगा आपका, ऑप्शन टू. तो बिहार स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया लास्ट वीक के अंदर, ठीक है. और सो जिसको नाम दिया गया उन्नयन के नाम से, और इसको आपका लाइन दिया गया मेरा मोबाइल मेरा विद्यालय, ठीक है. तो उन्नयन मेरा विद्यालय, मेरा मोबाइल मेरा विद्यालय, जिसमें कहीं ना कहीं वहाँ के जितने भी स्टूडेंट्स आपके हैं उनको, या फिर जो गवर्नमेंट स्कूल्स के जितने भी बच्चे आपके वंस फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 12th तक के, ठीक है, उन सभी के लिए जो भी आपका एयर इंडिया के थ्रू आपका ऑल इंडिया के थ्रू कहीं
कि आने वाले समय में जो भी जो उनके क्लासेस हैं या अदर्स उनको रन किया जाएगा किसकी मदद से, इसमें कहीं ना कहीं यूनिसेफ के द्वारा भी अपना कंट्रीब्यूशन दिया गया। तो ऐसे जो इनिशिएटिव्स हैं आपका COVID-19 के ड्यूरेशन में जितने भी आपको बताए हैं एप्लीकेशन कैंपेन एंड ऑल, वो काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन व्यू पॉइंट। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव फॉरवर्ड करते हैं आपका। अगला क्वेश्चन, क्रिस्टालिना जॉर्जीवा हैज नेम अ ग्रुप ऑफ प्रोमिनेंट इंडिविजुअल्स टू सर्व एज द एज अ न्यू एक्सटर्नल एडवाइजरी ग्रुप। हु अमंग द फॉलोइंग फॉर्मर आरबीआई गवर्नर इज इंक्लूडेड इन द ग्रुप। सो अभी आपका क्रिस्टीना जॉर्जीवा, ठीक है, क्रिस्टीना जॉर्जीवा, अगर हम लोग बात करें क्रिस्टीना जॉर्जीवा जो कि अभी हेड है किसके लिए, IMF के लिए, ठीक है। तो IMF इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड जिसके चेयरमैन है एट प्रेजेंट आपका कौन, क्रिस्टालिना जॉर्जीवा, ठीक है। तो क्रिस्टालिना जॉर्जीवा जिनके द्वारा एक COVID-19 के ऊपर एक ग्रुप आपका बनाया है जिसको नाम दिया गया एक्सटर्नल एडवाइजरी ग्रुप के नाम से, ठीक है, जिसमें बहुत सारे मेंबर्स या बहुत सारे इकोनॉमिस्ट एंड ऑल जिनको अपॉइंट किया गया, और आने वाले समय में जो COVID-19 का इकोनॉमिक इफेक्ट है उसको मिनिमाइज करने के रिगार्डिंग ये ग्रुप आपका काम करेगा। तो एक इंडियन फॉर्मर गवर्नर या आरबीआई के फॉर्मर गवर्नर जो कि इसमें अपॉइंटेड है वो है डॉक्टर रघुराम राजन। अच्छा, डॉक्टर रघुराम राजन कौन से नंबर के आरबीआई के गवर्नर थे जरा कमेंट्स के अंदर बताएंगे। जैसे श्री शक्तिकांत दास जो कि एट प्रेजेंट आरबीआई के गवर्नर है जो कि 25th नंबर के गवर्नर, ठीक है। अगर हम लोग बात करें प्रेजेंट आरबीआई गवर्नर का तो आपका आंसर क्या होता है, शक्तिकांत दास, ठीक है। तो शक्तिकांत दास जो कि एट प्रेजेंट आरबीआई के गवर्नर है और जो कि 25th नंबर के गवर्नर है, और डॉक्टर रघुराम राजन कौन से नंबर के थे, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, जो जल्दी से कमेंट्स करके आपका बताएंगे, ठीक है। अभी रघुराम राजन 23rd नंबर के, अब विक्की ने आपका सबसे पहले आंसर किया गाइस, वेरी गुड। तो रघुराम राजन आपका 23rd नंबर के गवर्नर थे आरबीआई के लिए, इनको रिप्लेस किया गया था डॉक्टर या आपका उर्जित पटेल सर के द्वारा, देन उर्जित पटेल सर को रिप्लेस किया गया था श्री शक्तिकांत दास के द्वारा, ठीक है। अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, हाँ वेरी गुड गाइस, हाँ सभी के आंसर्स करेक्ट मिले आपका। अगला क्वेश्चन अपॉइंटमेंट से रिलेट करता हुआ, हु हैज टेकन ओवर चार्ज एज द 4th एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो अभी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जिसमें दो बैंकों को मर्ज किया गया था, ठीक है, कौन कौन से वो दो बैंक है जरा कमेंट्स के थ्रू बताएं, ठीक है। तो अभी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के चौथे कार्यकारी निर्देशक के रूप में कार्यभार किसने संभाला है। तो क्वेश्चन आपको ये पूछा गया कि जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर या फिर आपका कार्यकारी निर्देशक 4th नंबर पे, अभी तीन पहले से आपका ऑलरेडी इसमें अपॉइंटेड थे, एक और पर्सनलिटी जिनको अभी रिसेंटली अपॉइंट किया गया, तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, विरूपाक्ष मिश्रा, ठीक है। तो विरूपाक्ष मिश्रा जिन लोगों ने भी आंसर किया ऑप्शन 5 वो की जो आपका करेक्ट आंसर होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के, तो विरूपाक्ष मिश्रा जिनको अभी रिसेंट, इसके अलावा तीन और जो कि आपका जैसे जीएस गुसाई, इसके अलावा दिनेश कुमार गर्ग एंड मानस आर विश्वाल, ये तीन आपके जो कि ऑलरेडी अपॉइंटेड है किसके अंदर, आपका यूनियन बैंक के अंदर। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें आंध्रा बैंक और आपका कॉर्पोरेशन बैंक जिनको आपका मर्ज किया गया था किसके अंदर, यूनियन बैंक के अंदर। अगला क्वेश्चन, एक मैस्केट आपका रिलीज किया गया, विच ऑफ द फॉलोइंग द मैस्केट फॉर द 4th एशियन पैरा गेम्स। तो 4th एशियन पैरा गेम्स जो कि 2022 जब खेले जाएंगे कहाँ पे, चाइना के अंदर, तो इसका जो शुभंकर है, तो कौन चौथे एशियाई पैरा खेलों का शुभंकर है। तो शुभंकर बहुत बार आपको एग्जामिनेशंस के अंदर टेस्ट किया जाते हैं गाइस, अगेन काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अगर हम लोग इसके लिए बात करें तो राइट आंसर क्या होगा आपका, जल्दी से कमेंट्स करके बताइए, और जल्दी जल्दी से आपको कमेंट्स करके आंसर करना है, और सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर करें, ठीक है। सो फिफी जो कि करेक्ट आंसर है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, ऑप्शन 3, वेरी गुड गाइस, हाँ बहुत अच्छे, सभी के आंसर्स काफी अच्छे मिले, आप लोगों के आंसर्स जब अच्छे मिलते तो काफी खुशी होती है, ठीक है। फिफी आपका बर्ड है, ठीक है, जैसे आपको इमेज के अंदर दिख रहा होगा, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, डिवाइन बर्ड के नाम से जाना जाता है। तो फिफी आपका जो कि शुभंकर है किसके लिए, या फिर आपका मैस्केट जो कि अपॉइंट किया गया था इस पर्टिकुलर स्पोर्ट्स के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच इंडियन अमेरिकन कांग्रेसमैन हैज बीन अपॉइंटेड टू द व्हाइट हाउस कोरोना वायरस एडवाइजरी काउंसिल। सो कोरोना व्हाइट हाउस ने अभी यूएस जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप उनकी टीम के द्वारा, या फिर आपका यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जिनके द्वारा डायरेक्टली इस टीम को आपका हेड किया जाएगा, उनके द्वारा कोरोना वायरस की या COVID-19 के चलते हुए अभी एक कोरोना वायरस एडवाइजरी काउंसिल बनाया गया, जिसमें
एक इंडियन अमेरिकन कांग्रेसमैन जिनको इंक्लूड किया गया, तो उनका नाम आपसे पूछा गया, तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे आपका, जल्दी से कमेंट करके बताएं। तो जो राइट आंसर है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का वो क्या आपका, आर ओ खन्ना, ठीक है, रो खन्ना आपका, जो कि करेक्ट आंसर होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। गाइस काफी इंपॉर्टेंट नेम है आपका रो खन्ना, ठीक है, आने वाले समय में आपको ये पर्सनैलिटी टेस्ट किया जा सकता है आने वाले 3-4 मंथ के एग्जामिनेशन के अंदर, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इन अप्रैल 2020 सेंटर हैज रिलीज हाउ मेनी करोड़ रुपीज टू द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज अंडर मनरेगा या आपका महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, ठीक है। सो जो मनरेगा एक्ट है आपका वो है 2005 जब इस एक्ट को लॉन्च किया गया था और इफेक्टिव हुआ था कब से, 2006 से। एम्प्लॉयबिलिटी के ऊपर एम्प्लॉयमेंट का प्रॉमिस करता है मनरेगा, ठीक है, नॉर्मल एरियाज के अंदर 100 डेज और आपका अगर हम लोग बात करें ड्रॉट एरिया जहाँ पे 150 डेज का एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया था इस स्कीम के द्वारा। तो 7,300 करोड़ रुपीज का एलोकेशन अभी लास्ट वीक के अंदर फ्राइडे को जो किया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा आने वाले समय में, ठीक है, इस स्कीम के थ्रू जो आपका कैश बेनिफिट्स या फिर एम्प्लॉयबिलिटी या अदर्स उनके लिए 7,300 करोड़ रुपीज का एक एलोकेशन, स्पेशल एलोकेशन आपका COVID-19 के चलते हुए। सो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी अधिनियम 2005 और 2006 से ये योजना आपका लागू हुआ था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, इन अप्रैल 2020 हु लॉन्च किसान रथ मोबाइल एप्लीकेशन। सो एक नया मोबाइल एप्लीकेशन आपका जो लास्ट वीक के अंदर लॉन्च किया गया जिसको नाम दिया गया किसान रथ मोबाइल एप्लीकेशन टू फैसिलिटेट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड ग्रेन एंड पेरिसेबल्स ड्यूरिंग लॉकडाउन। सो जितने भी फूड ग्रेन्स आपके हैं या फिर पेरिसेबल्स का मतलब जो भी खराब होने वाले से मिल्क या फिर आपका डेयरी प्रोडक्ट्स या अदर्स, उन सभी को आपका एक प्लेस से दूसरे प्लेस में ले जाने के रिगार्डिंग ये काम करेगा। सो किस मिनिस्ट्री के द्वारा, किस मिनिस्टर के द्वारा इनको लॉन्च किया गया ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया, तो जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा आपका, नरेंद्र सिंह तोमर। सो एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर जिनके द्वारा 17 अप्रैल को आपका एक मोबाइल एप्लीकेशन जिसको नाम दिया गया था किसान रथ के नाम से। सो अगेन गाइस ऐसे जो एप्लीकेशन हैं या किसके रिगार्डिंग ये काम करते हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन व्यू पॉइंट से, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, इन अप्रैल 2020 हु अटेंडेड द डेवलपमेंट कमेटी मीटिंग्स ऑफ द वर्ल्ड बैंक एंड IMF थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। सो लास्ट फ्राइडे को आपका एक मीटिंग हुआ था जो कि जो ट्विन सिस्टर के नाम से जिनको आपका जाना जाता है, ठीक है, IMF एंड वर्ल्ड बैंक जिनको हम लोग ट्विन सिस्टर या जुड़वा बहनों के नाम से आपका जानते हैं, ट्विन ऑर्गेनाइजेशन भी इनको आपका बोला जाता है, क्यों, क्योंकि इनमें बहुत सारी सिमिलरिटीज आपके हैं, ठीक है। तो अभी लास्ट वीक के अंदर COVID-19 के चलते हुए एक मीटिंग यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था, ठीक है। सो ये मीटिंग इंडिया की तरफ से या इंडिया की तरफ से इसमें रिप्रेजेंटेटिव कौन थे ये क्वेश्चन आपको पूछा गया, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन मैम, ठीक है। सो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन मैम जिनके द्वारा इस मीटिंग को अटेंड किया गया था, ठीक है। सो 17 अप्रैल अगेन ये मीटिंग आपका कंडक्ट किया गया था जिसमें आने वाले समय में COVID-19 का जो इकोनॉमिक इफेक्ट होगा या इसका जो आने वाले समय में जो इकोनॉमी के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा उससे किस तरीके से लड़ना है, या इवन आपका IMF या वर्ल्ड बैंक दोनों ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा जो इंडिया के द्वारा स्टेप आपके लिए जा रहे हैं उनका उनको कहीं ना कहीं उनके बारे में आपका प्रोत्साहन दी गई थी। अगला क्वेश्चन आपका, द RBI कट रिवर्स रेपो रेट बाय हाउ मेनी बेसिस पॉइंट टू 3.75%। तो RBI के द्वारा भी अपना जो रिवर्स रेपो रेट है, ठीक है, तो अभी लास्ट वीक के अंदर RBI के द्वारा बकुजा 2.0 या फिर आपका लिक्विडिटी के ऊपर एक स्कीम लॉन्च किया गया, ठीक है, एक RBI की रीसेंट मीटिंग के अंदर जिसको अनाउंस किया गया RBI के जो गवर्नर है एट प्रेजेंट श्री शक्तिकांत दास के द्वारा। तो कितने बेसिस पॉइंट से उनके द्वारा रेट कट किया गया, तो पहले आपका रेपो रेट कितना था 4%, अभी कितना हो गया 3.75%, तो कितने का डिफरेंस हो रहा है आपका 0.25% का, 0.25% इज इक्वल टू क्या होता है आपका 25 बेसिस पॉइंट, जो कि आपका राइट आंसर होगा। तो 25 बेसिस पॉइंट जो कि करेक्ट आंसर होगा आपके इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। और बेसिस पॉइंट का मतलब क्या होता है, 1% इज इक्वल टू 100 बेसिस पॉइंट हम लोग बोलते हैं, ठीक है। सो पहले आपका 4% था, वहां से कितना कर दिया आपका 3.75%, ठीक है, एट प्रेजेंट आपका। इसके अलावा लॉन्ग टर्म रैप टारगेटेड लॉन्ग टर्म रैपो ऑपरेशन 2.0 जिसमें 50,000 रुपीज आपका देने का बात किया गया। इसके अलावा तो कुछ डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसमें आपका नाबार्ड है या फिर अदर जो ऑर्गेनाइजेशन जैसे आपका सेडवी एंड ऑल, इन सभी के लिए भी आपका 50,000 करोड़ रुपीज का रीफाइनेंस फैसिलिटी स्टार्ट करने का बात किया गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, जस्टिस वी के
कनगराज अपॉइंटेड एज न्यू स्टेट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो मद्रास हाईकोर्ट के आपके जस्टिस रह चुके हैं कनगराज, तो अभी इनको किस स्टेट का आपका चुनाव आयुक्त घोषित किया गया, ठीक है। सो बहुत बेसिक क्वेश्चन है गाइस अपॉइंटमेंट के ऊपर लास्ट वीक का, ठीक है। और बहुत बार आपको ऐसे क्वेश्चंस एग्जामिनेशंस के अंदर टेस्ट किया था, आई होप आप लोग सभी इस क्वेश्चन का आंसर करेक्टली कर पाएंगे। तो जल्दी से आपको कमेंट करना है, ठीक है। तो कनकराज या जस्टिस वी कनकराज जिनको आपका स्टेट इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट किया गया किस राज्य के लिए, तो जैसे कुछ स्टूडेंट्स आपका बोल रहे सर केरला के लिए, ओके। कुछ आपका बोले थर्ड वन कर्नाटका के लिए, थर्ड वन इसका आंसर नहीं होगा केरला, और कुछ आपका बोले फोर्थ वन आंध्र प्रदेश। हाँ वेरी गुड, तो जो राइट आंसर है ना इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का वो है आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश का आपका इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट या स्टेट इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट किया गया वी के कनकराज को, ठीक है। सो अगेन ये जो पॉइंट्स है ऐसे जो अपॉइंटमेंट्स है जिनको आपको ध्यान रखना होता है। अगला क्वेश्चन वॉर्मीवेट एक आपका एक कीटनाशक दवाई जो अभी रिसेंटली आपका खोजी गई थी या जिसको टेस्ट किया गया, सक्सेसफुली टेस्ट आपका किया गया। और केमिकल मेथड टू ट्रीट वॉर्म हैज बीन डेवलप्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट। सो वॉर्मीवेट के नाम से एक कृमियों के उपचार की एक रासायनिक विधि जो अभी रिसेंटली विकसित किया गया, ठीक है। इसको किस इंस्टीट्यूट के द्वारा आपका विकसित किया गया ये क्वेश्चन आपको पूछा गया, ठीक है। जैसे जितने भी जो कीटनाशक दवाइयों की तरह इसको आने वाले समय में यूज किया जाएगा, ठीक है। और जो राइट आंसर होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का वो क्या होगा आपका नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन इंडिया के द्वारा इस आपका जो अगर हम लोग बात करें इस पर्टिकुलर वैक्सीन या फिर आपका ये जो दवाई है इसको खोजा गया था, ठीक है। तो नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन अगर हम लोग बात करें नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन इंडिया जो कि किसके अंडर आता है आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर, ठीक है। सो इस डिपार्टमेंट को इवन 2000 के अंदर आपका मार्च 2000 के अंदर इसको बनाया गया था, ठीक है। और एज ए एनजीओ की तरह ही आपका काम करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कॉमेडियन टिम ब्रोक टाइलर डाइड एट द एज ऑफ 79 विद कोरोना वायरस इन अप्रैल 2020। ही बिलोंग टू विच कंट्री। सो अभी एक वर्ल्ड फेमस कॉमेडियन जिनका नाम है टिम ब्रोक टाइलर जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ, ठीक है, और COVID-19 के चलते हुए इनका डेथ हुआ, ठीक है। सो आपको क्वेश्चन ये पूछा गया कि ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, ठीक है। इवन इनके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि बहुत सारी कॉमेडीज जो इनके द्वारा आपका जो बहुत सारे कॉमेडी शोज आपका जिसमें गुडीज या अदर्स जो कॉमेडी शोज थे जिनको हम लोगों ने आपका डिस्कस किया था, तो किस कंट्री से ये बिलोंग करते, तो राइट आंसर क्या होगा आपका ब्रिटेन से, ठीक है। तो ब्रिटेन के सिटीजन आपका है ब्रिटिश सिटीजन, ठीक है, जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ, जैसे दी गुडीज मैंने आपको बताया। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें आई एम सॉरी आई हैवंट अ क्लू, ये दो जो आपका वेब सीरीज या टीवी सीरीज जिनके अंदर इनको बहुत ज्यादा जाना जाता था या काफी ज्यादा फेम इनको जो प्रोवाइड किया गया था। अगला क्वेश्चन अगेन काफी इंपॉर्टेंट है गाइस, ये क्वेश्चन डेफिनेटली आने वाले समय में आपको टेस्ट किया जाएगा, ठीक है। तो तबस अजान हैज रिजाइन फ्रॉम हिज पोस्ट, ही वॉज the president of which of the following international federation। so world का जो सबसे oldest sports federation है उसके president थे और last 43 years से आपका इस particular organization को ये serve कर रहे थे और as a president around 20 years इन्होंने serve किया था इस particular organization को। so काफी important और I hope सभी students इस question का answer correctly करेंगे। so हाल ही में तमस अजान के ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, इनके ऊपर कुछ एलिगेशन आपके लगाए गए थे करप्शन और डोपिंग से रिलेट करते हुए, तो किस फेडरेशन की आपका प्रेसिडेंट थे, तो राइट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन 4 इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन जिसके ये प्रेसिडेंट थे। तो अगेन गाइस काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ध्यान रखें इनको आपका इनसे रिलेट करते जो पॉइंट्स हैं ये डेफिनेटली ये क्वेश्चन आपको आने वाले समय में पूछा जाएगा, ठीक है। और इनको उर्सुला जिनके जो कि एक यूएस सिटीजन है जिनके द्वारा इनको अभी एज अ एक्टिंग प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया किसके लिए आपका इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन को, ठीक है। सो अगले क्वेश्चन का आपका अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज लेड द वर्चुअल सेशन ऑफ द सेकंड G20 फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंकर्स मीटिंग्स ऑन अप्रैल 15। सो अभी 15 अप्रैल 2020 जब आपका G20 या ग्रुप 20 जितने भी जो ग्रुप 20 कंट्रीज के जो मेंबर्स हैं उनमें फाइनेंस मिनिस्टर और वहां के जो सेंट्रल बैंकर्स हैं या उनके जो गवर्नर्स हैं उन सब के बीच में आपका एक सेकंड मीटिंग जो रिसेंटली लास्ट वीक के अंदर कंडक्ट किया गया था, तो किस कंट्री के द्वारा इस मीटिंग को होस्ट किया गया ये क्वेश्चन आपको पूछा गया। अगेन
काफी इजी क्वेश्चन है, आई होप आप सभी इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट करेंगे। तो आपको जल्दी से क्वेश्चन का आंसर करना और सेशन को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा आपका यहाँ पे, राइट आंसर क्या होगा, सऊदी अरब, ठीक है। तो सऊदी अरब जिसके द्वारा आपका जो G20 मीट है आपका, उसको अभी रिसेंटली होस्ट किया गया था, और वर्चुअल कॉन्फ्रेंस मतलब वीडियो वर्चुअल मीटिंग का मतलब क्या, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू इस मीटिंग को आपका कंडक्ट किया गया था। और इंडिया की तरफ से जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो थे आपका फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन मैम, जिनके द्वारा इस मीटिंग को आपका अटेंड किया गया था। और कहीं ना कहीं जितने भी जो G20 नेशन है उन सभी में गाइस आरबीआई ग्रेड बी लाइव कोचिंग आपका स्टार्ट हुआ है। तो जो भी स्टूडेंट्स आरबीआई ग्रेड बी की प्रिपरेशन करें वो अपने आपको इस कोर्स के अंदर इनरोल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक प्रोवाइड किया गया, इवन आपका आरबीआई ग्रेड बी के ऊपर आज से आपका यूट्यूब के ऊपर रेगुलर सेशन होंगे, जिसमें आप लोग 2 o'clock से 2 p.m. से आपके सारे सेशन स्टार्ट होंगे, जिसमें 2 से 2:30 मैं पढ़ाऊंगा जनरल अवेयरनेस आरबीआई एंड मॉनेटरी पॉलिसी और उसके ऊपर जो क्वेश्चन है, इसके अलावा देन आपका मैथमेटिक्स रीजनिंग एंड अदर्स सारे जो इवेंट्स कंडक्ट किए जाएंगे। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, दी 44th सेशन ऑफ यूनेस्को यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी वॉज पोस्टपोन्ड ड्यू टू COVID-19 पेंडेमिक, इन विच कंट्री वॉज द सेशन बी हेल्ड। सो कहाँ पे ये सेशन आपका होना था, तो राइट आंसर क्या होगा आपका, चाइना के अंदर। सो COVID-19 पेंडेमिक के ऊपर आपका यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का ये मीटिंग, जो कि शेड्यूल था आपका कब, 29 जून से लेके 9th of July 2020 के अंदर, अभी इसको पोस्टपोन किया गया कब तक आपका, अगस्त 2020 तक, ठीक है, जो नया डेट इसके लिए आपका दिया गया। अगला क्वेश्चन, विच बैंक हैज रिसीव आरबीआई नोट फॉर रीअपॉइंटमेंट ऑफ महाबलेश्वर MS एज MD एंड CEO फॉर नेक्स्ट 3 years। सो किस बैंक को अगले 3 वर्षों के लिए महाबलेश्वर MS को MD और CEO के रूप में पुनः नियुक्त किया गया है, और जिसके ऊपर अभी आरबीआई के द्वारा अप्रूवल प्रोवाइड किया गया। तो किस बैंक के अंदर आपका मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर प्रोफाइल पे आपका रीअपॉइंट किए गए, कौन, महाबलेश्वर MS आपका, ठीक है। तो कौन सा बैंक है, तो राइट आंसर क्या था आपका, कर्नाटका बैंक, ठीक है। तो कर्नाटका बैंक जिसके अंदर अभी रिसेंटली या महाबलेश्वर MS जो कि ऑलरेडी सेम आपका मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO प्रोफाइल पे अभी इनका रीअपॉइंटमेंट किया गया नेक्स्ट 3 ईयर के लिए। मैंगलोर जहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है, योर फैमिली बैंक अक्रॉस इंडिया, जो कि इसका टैगलाइन है, ठीक है। जैसे कई बार आपको हेडक्वार्टर एंड टैगलाइंस के ऊपर भी इवन क्वेश्चन टेस्ट किए जाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, Which of the following bank has been nominated by the government of India for the collection of funds for the coronavirus outbreak? So, अभी PM Care के नाम से एक donation आपका जो कि collect किया जा रहा है, ठीक है, जिसमें COVID-19 के अंदर अगर आप donation देते हैं तो PM Care के नाम से एक initiative आपका लिया गया, जिसमें number of donation अभी तक आप लोगों ने देखे होंगे, बहुत सारे announcements जो देखने के लिए मिले, ठीक है। So, अभी इसके लिए एक प्रॉपर एक बैंक आपका अपॉइंट किया गया, जहाँ पे जो जितने भी ट्रांजेक्शन आपके आएंगे उन सभी को आपका ये हैंडल करेगा, ठीक है। और अगर आप पीएम केयर के अंदर अगर हम लोग बात करें प्रधानमंत्री केयर, ठीक है, या पीएम केयर के अंदर अगर आप कोई भी डोनेशन करते हैं तो वो 100% क्या होगा आपका, टैक्स फ्री होगा, ठीक है। तो उसको आपका 100% टैक्स फ्री आपका रखा गया है अंडर ATG, ठीक है, ATG ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, ठीक है। तो कौन सा बैंक यहाँ पे है, तो राइट आंसर क्या होगा आपका, इंडियन ओवरसीज बैंक, ठीक है। तो इंडियन ओवरसीज बैंक जो कि करेक्ट आंसर था इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, जहां पे आप RTGS, NEFT, IMPS, चेक, डिमांड ड्राफ्ट या अदर जो भी फैसिलिटीज है इन सबके थ्रू। सेक्शन 80G काफी इंपॉर्टेंट है गाइस, और टैक्स एग्जेम्पशन के ऊपर आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकता है। चेन्नई जहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है, श्री कर्णम शेखर जो कि एट प्रेजेंट इसके CEO है, और 1970 जब इस बैंक को फाउंड किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, which station has become the first station on Indian Railway to install walk-through mass sanitization tunnel? So, अभी एक भारतीय रेलवे स्टेशन जिसने जो पहला ऐसा रेलवे स्टेशन बनाया जिसने आपका वॉक थ्रू मास सैनिटाइजेशन टनल आपका मतलब एक टनल आपका बनाया गया जिसमें 20 सेकंड के अंदर अगर आप वॉक करते हैं, ठीक है, और जो आपको आपकी पूरी बॉडी को सैनिटाइज किया जाएगा, ठीक है। सो पूरा सैनिटाइजेशन के लिए कहीं ना कहीं COVID-19 के चलते इसको लॉन्च किया गया था, आने वाले समय में
सारे एयरपोर्ट या फिर आपका जितने भी रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, जो भी मास गैदरिंग या पब्लिक गैदरिंग वाले प्लेसेस हैं, वहां पे इनको आपका यूज किया जाएगा। तो कौन सा रेलवे स्टेशन आपका था, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, अहमदाबाद रेलवे स्टेशन गुजरात। ठीक है, तो अहमदाबाद रेलवे स्टेशन गुजरात जो कि करेक्ट आंसर होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। ठीक है, तो 10 पर पर्सन आपका जो कॉस्ट आ रहा है वो आपका 20 ml सैनिटाइजर का, और विद इन 10 सेकंड ये हर एक पर्सन को क्या करेगा, सैनिटाइज करेगा। ठीक है, वेरी गुड गाइस, आप बहुत अच्छे आंसर आ रहे हैं, आपको आंसर करते रहना है और सेशन को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है। ठीक है, तो अपने जितने भी स्टूडेंट्स ग्रुप है, ठीक है, आपके लाइक हमारे लिए मोटिवेशन होते हैं जिससे कि हम लोग आपके लिए और सारी अच्छी अच्छी चीजें कर सके। ठीक है, हमारे साथ जो टीम हमारे पीछे बैठी रहती है, टेक्स्ट बुक की पूरी टीम। तो अगला जो क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका, स्टर्लिंग अमोस पास्ड अवे इन अप्रैल 2020, ही वॉज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड। तो अभी हाल ही में स्टर्लिंग मास जिनका निधन हुआ है, ठीक है, वो किस फील्ड से रिलेट करते हुए थे। तो अपने फील्ड के अंदर महारत हासिल थी और उस पर्टिकुलर कंट्री के जब भी मेजर स्पोर्ट्स पर्सन की काउंटिंग होती है ना, तो उनमें इनका नाम हमेशा आता है। ठीक है, तो किस स्पोर्ट्स से रिलेट करते हुए थे, तो राइट आंसर क्या होगा, मोटरसाइकिल रेस। ठीक है, सो बेसिकली आपका रेस या जितने भी तो कार रेस आपकी होती है उन सबसे रिलेट करते हैं। ठीक है, तो इनके द्वारा पहला जो ग्रैंड प्रिक्स आपका जीता गया था, वो जीता गया था 1955 के अंदर। तो अगेन ऐसे जो ऑबिचुरी से रिलेट के तौर, ऐसी कुछ पर्सनालिटी जो काफी ज्यादा न्यूज में, उनके ऊपर भी आपको बहुत बार क्वेश्चन टेस्ट किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन किससे रिलेट किया था, वो आपका पीपल्स बैंक ऑफ चाइना से रिलेट किया था। दी पीपल्स बैंक ऑफ चाइना जो कि सेंट्रल बैंक है कहाँ का, चाइना का। जैसे इंडिया का आरबीआई है, वैसे आपका चाइना का सेंट्रल बैंक है, केंद्रीय बैंक है कौन सा, पीपल्स बैंक ऑफ चाइना। तो द पीपल्स बैंक ऑफ चाइना हैज ब्राउट 1.01% स्टेक इन विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक। ठीक है, तो किस बैंक के अंदर इसके द्वारा 1.01% का होल्डिंग लिया गया है, तो राइट आंसर क्या होगा आपका, एचडीएफसी बैंक आपका। ठीक है, सो एचडीएफसी बैंक जिसके अंदर, जो कि जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लार्जेस्ट बैंक इन इंडिया बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन। ठीक है, बाजार पूंजीकरण से देश का जो सबसे बड़ा बैंक है वो आपका एचडीएफसी बैंक, और एचडीएफसी बैंक के ओवरऑल मार्केट कैप के अंदर आपका जो कि 1.01% का ओनरशिप है किसके पास, एचडीएफसी बैंक के पास। आदित्य पुरी जो कि इसके एट प्रेजेंट सीईओ हैं, और मुंबई जहां पे इसका हेडक्वार्टर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन किससे रिलेट किया था, वो एक वेब पोर्टल जिसका नाम है युक्ति, और युक्ति का फुल फॉर्म क्या होता है आपका, यंग इंडिया कॉम्बेटिंग COVID-19 विद नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। तो यहाँ पे एब्रीविएशन आपको पूछा जा सकता है आने वाले समय में, जो फुल फॉर्म के ऊपर जो क्वेश्चंस होते हैं ना उसके लिए ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लें। ठीक है, तो यंग इंडिया कॉम्बेटिंग कोविड विद नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। ठीक है, वो आपको टी का मतलब पूछ सकता है, के का मतलब, या आई का मतलब, ठीक है, या वाई का मतलब भी आपसे पूछा जा सकता है। तो वेयर हैज द मिनिस्टर फॉर HRD ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट रमेश पोखरियाल निशंक लॉन्च वेब पोर्टल युक्ति इन अप्रैल 2020। तो कहां से इनके द्वारा लॉन्च किया गया, तो बहुत सारे स्टूडेंट जिनके आंसर्स में देख पा रहा हूँ, ठीक है, न्यू दिल्ली जहां से इनके द्वारा ये आपका वेब पोर्टल लॉन्च किया गया था, और कहीं ना कहीं आने वाले समय में अगर हम लोग बात करें एक नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म जिसको आपका रिलीज किया गया, या इस पॉइंट के अंदर अगर हम लोग देखें तो। अगला क्वेश्चन आपका, विच कंट्री हैज अप्रूव द सेल ऑफ मिसाइल ट्रोपोडोस वर्थ $155 million। सो लास्ट वीक के अंदर आपका एक डिफेंस डील साइन किया गया था, ठीक है, जिसमें टॉर्पीडो एक मिसाइल सिस्टम जो कि कहीं ना कहीं सबमरीन्स या फिर आपका इन एरियाज में, जिसको हम लोग जितने भी आपका जो शिप या सबमरीन है या फिर आपका अदर्स एरिया से, मतलब पोर्टेबल मिसाइल है ये, जिसको लॉन्च किया जा सकता है। तो किस कंट्री से इसको इंडिया के द्वारा परचेज किया गया, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, यूएस से। ठीक है, सो यूएस अमेरिका जहां से हम लोगों ने दो मिसाइल आपका लास्ट वीक के अंदर परचेज किए हैं, एक है आपका हार्पोन ब्लैक सेकंड, हार्पोन ब्लैक टू, हार्पोन ब्लॉक टू एयर लॉन्च मिसाइल, और दूसरा आपका लाइट वेस टॉर्पीडोस, जो कि ओवरऑल अगर हम लोग डील की बात करें तो $155 million का। अगेन गाइस, ऐसे डिफेंस डील जो कि DRDO या अदर्स किसी भी एग्जामिनेशन के अंदर आपको टेस्ट किया जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज विल होस्ट The Asian Boxing Championship for Men and Women in November-December 2020. Again, काफी important question है, ठीक है, important क्यों है? आप इसका answer देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? Asian Boxing Championship for Men and Women, ठीक है? So जैसे इंडिया के अंदर भी दो बार ये इवेंट्स आपके हुए, मैन और वुमेन अलग अलग, अभी इन दोनों को एक साथ आपका कंपाइल कर दिया गया, एक ही साथ ये इवेंट्स आपके कंडक्ट किए जाते हैं, और कहाँ पे होंगे,
राइट आंसर क्या होगा आपका, इंडिया के अंदर। सो ऐसे जितने भी इंटरनेशनल स्पोर्ट्स आपका या वेन्यू जब भी इंडिया बनता है तो उसके ऊपर आपको क्वेश्चन पूछे जाने का प्रोबेबिलिटी काफी हाई हो जाता है। इससे पहले मेंस वाला आपका 1980 जब इंडिया के द्वारा होस्ट किया गया था और इस मुंबई में। इसके अलावा 2003 विमेन्स बॉक्सिंग आपका जो कि 2003 आपका हिसार हरियाणा के अंदर आपका इंडिया के द्वारा होस्ट किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ग्लोबल ट्रेड इज एक्सपेक्टेड टू फॉल बाय व्हाट परसेंटेज इन मार्च इन 2020 एज द COVID-19 पेंडेमिक डिसरप्ट इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड लाइफ अराउंड द वर्ल्ड। तो अभी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जिसके द्वारा जिसका नाम है WTO, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या विश्व व्यापार संगठन के द्वारा अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट आपका रिलीज किया गया। इस रिपोर्ट के हिसाब से आने वाले साल में या जो अभी करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है इसमें वैश्विक व्यापार की दर कितने से कम हो सकती है, ठीक है, COVID-19 के चलते। तो जल्दी से अपना आंसर मार्क करें और जो राइट आंसर है, और इसके अलावा सेशन को एक बार जल्दी जल्दी से लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। तो जो राइट आंसर होगा ना वो होगा 13-32%, ठीक है। तो 13-32% जो कि करेक्ट आंसर होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, ठीक है। तो WTO की इस रिपोर्ट के हिसाब से वर्ल्ड जो इंटरनेशनल ट्रेड या जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार है उसके आने वाले समय में उसके ऊपर जो इफेक्ट पड़ सकता है। जिनेवा स्विट्जरलैंड जहां पे इसका हेडक्वार्टर है WTO का, और 1995 या January 1, 1995 जब इसको आपका बिल्ड किया गया। अच्छा, हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ WTO? वर्ल्ड बैंक जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है इसके करंट प्रेसिडेंट का नाम क्या है जरा कमेंट्स के थ्रू बताएंगे, ठीक है। तो जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विश्व व्यापार संगठन जो कि पहले एक एग्रीमेंट की तरह काम करता था जिसको हम लोग जनरल एग्रीमेंट फॉर ट्रेड एंड टैरिफ के नाम से जानते थे। तो जल्दी से इसके प्रेसिडेंट का नाम आपको बताना है। हाँ, हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर। और इसकी जो प्रेसिडेंट है वो है आपका रॉबर्टो जवेदो, ठीक है। तो रॉबर्टो जवेदो जो कि राइट आंसर था उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन, अशोक देसाई पास अवे इन अप्रैल 2020। तो लास्ट वीक के अंदर ऑब्विचुरी के ऊपर एक और न्यूज जो कि इसके ऊपर अशोक देसाई, ठीक है, जिनका हाल ही में निधन हुआ। इन विच ईयर वॉज ही अपॉइंटेड एज द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? इनको कौन से ईयर के अंदर आपका इंडिया का अटॉर्नी जनरल बनाया गया था, ठीक है। क्वेश्चन आपको सॉलिसिटर जनरल के ऊपर भी पूछा जा सकता था, ठीक है। तो अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल दोनों में आपके ये थे। तो 1996 आपका जो कि जब इनको इंडिया का अटॉर्नी जनरल आपका बनाया गया था, ठीक है। तो फ्रॉम 9th July 1996 टू 6th May 1998 ये इंडिया के अटॉर्नी जनरल थे। और सॉलिसिटर जनरल का प्रोफाइल इनके द्वारा 18th December 1989 टू 2nd December 1990 के बीच में संभाला गया था, जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। अगला क्वेश्चन, विच मोबाइल एप्लीकेशन हैज बिकम द वर्ल्ड फास्टेस्ट एप्लीकेशन टू रीच 5 crore यूजर? तो ये क्वेश्चन तो बहुत ही बेसिक है, तो सभी स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। इसके द्वारा रिकॉर्ड ब्रेक किया गया किसका? पोकेमोन गो का, ठीक है। सो पोकेमोन गो तो इसका आंसर नहीं होगा क्योंकि इससे पहले पोकेमोन गो था, अभी पोकेमोन गो का रिकॉर्ड तोड़ा गया किसके द्वारा? तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका, आपका राइट आंसर क्या होगा? आरोग्य सेतु, ठीक है। सो आरोग्य सेतु मोबाइल एप्लीकेशन लास्ट 13 डेज के अंदर आपका 5 crore से ज्यादा जो वेब आपका एप्लीकेशन इंस्टॉल जो निकल के आए। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, किससे रिलेट करता है? दी 13 इंटरनेशनल प्राइस फॉर अरेबिक फिक्शन, ठीक है। तो 13 इंटरनेशनल प्राइस फॉर अरेबिक फिक्शन अभी रिसेंटली आपका जो अवार्ड सेरेमनी कंडक्ट किया गया, तो किसके द्वारा ये अवार्ड जीता गया? तो राइट आंसर क्या होगा आपका? अब्देलोहाब आइसाउ, ठीक है। तो अब्देलोहाब आइसाउ जिनके द्वारा ये अवार्ड आपका जीता गया। अगेन गाइस, काफी इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जामिनेशंस के लिए, इसको ध्यान रखें। पहले ऐसे अल्जीरियन हैं जिनके द्वारा ये अवार्ड जीता गया, और इनके बुक का नाम क्या था? दी स्पार्टन कोड के नाम से, दी स्पार्टन कोड जो कि इनके बुक का नाम था, ठीक है। अगेन काफी इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन, BSNL इज पार्टनरशिप विद विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स हैज लॉन्च UPI यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस बेस्ड पेमेंट प्लेटफॉर्म भारत इंस्टा पे? सो भारत इंस्टा पे के नाम से एक UPI एप्लीकेशन जो कि अभी रिसेंटली BSNL के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो किस बैंक के साथ मिलकर इसने ये लॉन्च किया? तो राइट आंसर क्या होगा आपका? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ टाई अप करके आपका जो कि बैंकिंग असिस्टेंट प्रोवाइड करेगा किसको? BSNL को। लास्ट वीक एक नेशनल पार्क जो काफी ज्यादा न्यूज में रहा है, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क हैज बिल्ड आइसोलेशन वार्ड फॉर एनिमल्स, ठीक है। सो इंडिया का जो सबसे पुराना नेशनल पार्क है जिसका नाम है आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जिसके द्वारा
मोर देन 10 आपका आइसोलेशन वार्ड लगाए गए हैं कहाँ पे, इस पर्टिकुलर पार्क के अंदर, और कैमरा के थ्रू सर्विलेंस आपका रखा जाएगा जो भी एनिमल इन्फेक्टेड पाए जाते हैं उनके ट्रीटमेंट के लिए। अगला क्वेश्चन, वेयर डिड एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर लॉन्च ऑल इंडिया एग्री ट्रांसपोर्ट कॉल सेंटर इन अप्रैल 2020। अभी कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर सर के द्वारा एक अखिल भारतीय कृषि परिवहन कॉल सेंटर आपका लॉन्च किया गया फार्मर्स को बेसिक असिस्टेंट या फिर जो भी इन्फॉर्मेशन है उन सभी को प्रोवाइड करने के लिए। सो कहां से इसको लॉन्च किया गया, तो करेक्ट आंसर क्या है आपका, न्यू दिल्ली। इवन एक टोल फ्री नंबर जो कि आपको स्क्रीन के ऊपर देख रहा होगा, देखा ये टोल फ्री नंबर्स भी जो आपका फार्मर्स को प्रोवाइड किया गया। अगला क्वेश्चन, MTNL का आपका अभी चेयरमैन अपॉइंट किया गया, एक एक्टिंग चेयरमैन, ठीक है। तो इन अप्रैल 2020 हु हैज टेकन ओवर एज द एडिशनल चार्ज ऑफ महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। तो जो BSNL के चेयरमैन है, BSNL भारत संचार निगम लिमिटेड के, उन्हीं को एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया किसके लिए, आपका MTNL के लिए। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, PK पुरवार। तो PK पुरवार जो कि BSNL के चेयरमैन भी है और आने वाले समय में या ये अभी 15 अप्रैल से किसके चेयरमैन भी बनाए गए, MTNL के लिए भी, ठीक है। तो अगेन एक अपॉइंटमेंट, और ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन जो कि काफी ज्यादा डेट में चल रहे हैं, काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं पिछले कुछ समय में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विच बैंक विल वेव चार्जेस फॉर ऑल ATM ट्रांजेक्शंस। सो लास्ट वीक के अंदर आपका एक बैंक जिसके द्वारा उस बैंक के जितने भी कस्टमर्स हैं वहां पे जितने भी जो ATM से रिलेट करते हैं जो ट्रांजेक्शंस हैं वो आपका कैश विड्रॉल एंड ऑल सारा उन सभी को फ्री कर दिया, ठीक है, अपने बैंक के लिए भी और जो अदर बैंक के ATMs के अगर यूज होंगे उन सभी के लिए भी। तो किस बैंक के द्वारा ये अनाउंसमेंट किया गया, तो राइट आंसर क्या होगा आपका, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, SBI के द्वारा। अभी रिसेंटली 30th जून 2020 तक जितने भी ATM ट्रांजेक्शन है उन सभी को आपका फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया गया, ठीक है। अगेन गाइस काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखें। अगला आपका एम्बेसडर से रिलेट करता हुआ, WWF या वर्ल्ड वाइड फंड एज इट्स एम्बेसडर फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन प्रोग्राम। तो WWF के द्वारा एक एनवायरमेंट एजुकेशन प्रोग्राम रन किया जाता है जिसका प्रचारक या फिर एम्बेसडर के रूप में किसको नियुक्त किया गया है, जिसका नया राजदूत किसको बनाया गया है, तो 5-time वर्ल्ड चेस चैंपियन, ठीक है। तो 5-time वर्ल्ड चेस चैंपियन की अगर हम लोग बात करें तो राइट आंसर क्या होगा आपका, विश्वनाथन आनंद, ठीक है। तो विश्वनाथन आनंद जिनको आपका WWF का भी ब्रांड एम्बेसडर या फिर राजदूत के रूप में रिसेंटली नियुक्त किया गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज डेवलप्ड अ कॉम्पैक्ट सॉलिड स्टेट सेंसर टू डिटेक्ट द हैवी मेटल्स आयंस इन वाटर। सो किसने भारी पानी में या किसने पानी में भारी धातु आयनों का पता लगाने के लिए एक कॉम्पैक्ट सॉलिड स्टेट सेंसर विकसित किया, जिससे कि जैसे जो मरीन रिसर्च आपके होते हैं समुद्र के अंदर जितना भी या गहरे पानी के अंदर जितना भी रिसर्च या फिर जो भी आयन जितने भी जो आपके मेटल्स हैं उन सभी को खोजने में आने वाले समय में ये मदद करेगा। सो किसके द्वारा ये किया गया, तो राइट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन 2, सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंसेस, जिसके द्वारा या जहाँ के साइंटिस्ट के द्वारा अभी रिसेंटली इसको आपका डिस्कवर किया गया। तो गाइस अगेन काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऐसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत बार आप लोगों ने क्वेश्चंस देखे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इन अप्रैल 2020 इंडिया हैज डिसाइडेड टू सप्लाई एंटी मलेरिया ड्रग जिसका नाम है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन टू हाउ मेनी कंट्रीज। सो इसके इस पर्टिकुलर ड्रग की वजह से इंडिया काफी ज्यादा न्यूज में है और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल या कंट्रीज के द्वारा इंडिया को बहुत ज्यादा प्रेज किया गया पिछले लास्ट वीक या फिर आपका लास्ट 10 days के अंदर। सो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन जो कि एक एंटी मलेरिया ड्रग है जो कि कहीं ना कहीं COVID-19 के लिए भी इसको आपका यूज किया जा रहा है। सो 55 कंट्रीज जिनको इंडिया इसको सप्लाई करेगा, जिसमें से 21 कंट्रीज जिनमें आपका कमर्शियल पर्पज का मतलब क्या है, यहाँ पे कहीं ना कहीं खरीदने बेचने जहाँ पे मतलब जिनके साथ हम लोग क्या करेंगे, जिनसे पैसा चार्ज किया जाएगा। अदर जो कंट्रीज हैं उनको हम लोग एज ए ग्रांट या फिर एज ए उनको आपका यहाँ पे सहायता के रूप में हम लोग इस ड्रग को प्रोवाइड करेंगे। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑर्गेनाइजिंग द 21-day लॉन्ग ऑनलाइन वर्कशॉप फॉर कोचेज इन अप्रैल 2021। तो अभी लास्ट वीक के अंदर जो यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं किरेन रिजिजू सर, उनके द्वारा एक अनाउंसमेंट किया गया कि अलग अलग आपका जितने भी 16 मेजर स्पोर्ट्स हैं उनके जो कोचेज हैं उनको ऑनलाइन या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के रिगार्डिंग आपका मतलब एक 21 डेज का एक ऑनलाइन प्रोग्राम कंडक्ट किया गया, ठीक है।
तो किस किस के द्वारा ये अनाउंस किया गया, तो राइट आंसर क्या होगा, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन। तो ऑप्शन फोर जो कि राइट आंसर होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। और इमेज के अंदर जैसे आप देख पा रहे हैं कौन है, स्पोर्ट्स मिनिस्टर या फिर आपका जो केंद्रीय खेल मंत्री है जिनका नाम है किरेन रिजिजू। अगला क्वेश्चन, विच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप हैज बीन कॉल्ड से हैज विच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग application has not been called safe for by the Ministry of Home Affairs while issuing an advisory. So ये question again आप लोग इस question का सभी students correct answer करेंगे, और answer करते ही एक बार session को like जरूर करें, ठीक है। जैसे बहुत सारे students आपका बैठे हैं और number of like अभी तक only 14 आपका है, ठीक है। So guys थोड़ा सा like कर दीजिए session को, और अपने फ्रेंड्स या जितने भी एजुकेशन के ग्रुप हैं उनके अंदर शेयर जरूर करें, ठीक है। सो ये एप्लीकेशन जो काफी ज्यादा न्यूज में, जिसके रिगार्डिंग जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है उसके द्वारा एडवाइजरी और 9 की एडवाइजरी भी आपका रिलीज किया गया अगर आप इस एप्लीकेशन को यूज करें। तो जूम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एप्लीकेशन जो कि राइट आंसर होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, ठीक है। सो जूम द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप जो कि डेवलप किया गया था किसके द्वारा, एरिक एस युआन के द्वारा, ठीक है। सो अगेन ये पॉइंट थोड़ा ध्यान रखने वाला है, और गाइस काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि एग्जामिनेशंस के अंदर आपको आने वाले समय में टेस्ट किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अनाउंस अ ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन कोविड-19 फ्रॉम 17th of April 2020 फॉर हेल्थ केयर प्रोफेशनल फ्रॉम सार्क नेशन। सो लास्ट वीक के अंदर मैंने आपको सार्क नेशंस के बारे में पूरा डिटेल आपका बताया था, ठीक है, और किस तरीके से ये पूरा काम करता है अदर्स वो सारे पॉइंट्स, ठीक है। सो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन जिन इन कंट्रीज के बीच में अभी 17th अप्रैल 2020 से एक ऑनलाइन प्रोग्राम जो भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल है इन सभी के रिगार्डिंग। सो किसके द्वारा ये लॉन्च किया गया, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन वन, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, ठीक है। सो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर अभी इनको इसको इस डिपार्टमेंट को हेड किया जा रहा है किसके द्वारा, आपका एस जयशंकर सर के द्वारा, ठीक है। जैसे आप इमेज के अंदर देख पा रहे एस जयशंकर जो कि एट प्रेजेंट आपका एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है, और जिनके द्वारा इस मीटिंग को आपका हेड किया गया था, और कहीं ना कहीं सारे जो सार्क नेशन उन सभी के साथ मिलके कोविड-19 के रिगार्डिंग काम करने का बात किया गया था। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो साइकिलिंग स्पोर्ट्स है जिसका नाम है टूर डी फ्रांस, ठीक है। तो अभी टूर डी फ्रांस जिसको पोस्टपोन किया गया, ठीक है। सो द वर्ल्ड मोस्ट फेमस साइकिलिंग रेस टूर डी फ्रांस हैज बीन पोस्टपोन्डेड इन द वेक ऑफ कोविड-19 या कोरोना वायरस पेंडेमिक, एंड इट हैज नाउ सेट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ। सो अभी हम लोग बात करें टूर डी फ्रांस जिसको अभी रिसेंटली कैंसिल किया गया या फिर आपका पोस्टपोन किया गया, ठीक है, कोविड-19 के चलते हुए, अब ये कब ऑर्गेनाइज किया जाएगा, तो राइट आंसर क्या होगा आपका, अगस्त 2020 के अंदर। तो दुनिया का सबसे बड़ा साइकिलिंग स्पोर्ट्स है, जो लोग साइकिलिंग जिनको पसंद होगा आई होप सभी को इसके बारे में पता होगा, ठीक है। सो कहीं ना कहीं काफी बार ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था कहाँ पे ये इवेंट्स ऑर्गेनाइज होना था, तो राइबेरिया सिटी ऑफ निस जहाँ पे ये इवेंट्स ऑर्गेनाइज किया जाना था। 21 सेगमेंट्स आपके और 218 किलोमीटर का ये जो रेस ऑर्गेनाइज किया जाता है। अगला क्वेश्चन, इन इट्स लेटेस्ट एडिशन ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक रिपोर्ट IMF हैज प्रोजेक्टेड इंडिया GDP ग्रोथ टू बी हाउ मच परसेंट इन 2020। तो अभी IMF के द्वारा लास्ट वीक के अंदर आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट रिलीज किया गया था, ठीक है। सो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट अभी जो कि रिलीज किया गया था IMF के द्वारा, जिसके हिसाब से मोस्ट ऑफ कंट्रीज आपका नेगेटिव में जाने वाले हैं फाइनेंशियल ईयर 2021 के अंदर। एशिया पैसिफिक रीजन के अंदर ओनली 2 कंट्रीज आपका जो कि पॉजिटिव में रहेंगे, जिसमें इंडिया एंड चाइना, और जो चाइना का ग्रोथ रेट है वो है आपका 1.2%। इंडिया का कितना प्रिडिक्ट किया गया, तो राइट आंसर क्या होगा आपका, 1.9%। गाइस काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आपको इनसे रिलेट करते हुए पॉइंट्स आपके पूछे जाते हैं। आपको क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज किया जाता है, ठीक है। सो इवन अगर हम लोग बात करें चाइना का ग्रोथ रेट, इंडिया का ग्रोथ रेट, या फिर ओनली 2 पॉजिटिव कंट्रीज आपका जो एशिया पैसिफिक रीजन के अंदर आपका आए हैं, या फिर कोविड-19 का आने वाले समय में वर्ल्ड इकोनॉमी के ऊपर क्या इफेक्ट हो सकता है, वो सारी चीजें जो कि इस रिपोर्ट में आपका बताई गई थी। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज डेवलप अ कोविड सैंपल कलेक्शन कियोस्क कोपसेक। सो किसने, निम्न में से किसने कोविड नमूना संग्रह कियोस्क कोपसेक विकसित किया है, ठीक है। सो अभी एक कोविड-19 के रिगार्डिंग जो भी आपका सैंपल कलेक्शन के लिए कियोस्क इज लाइक ATM मशीन, ठीक है, जैसे ATM मशीन आपके होते वैसे ही।
तो जहाँ पे लोग अपना सैंपल रखेंगे देन उनको आपका टेस्ट किया जाएगा। तो किसके द्वारा ये आपका कियोस्क डेवलप किया गया, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया। जैसे अभी कर्नाटका के द्वारा बेंगलुरु के अंदर इवन आपका कियोस्क लगाए गए हैं इन सेम आपका इसके रिगार्डिंग, ठीक है। तो किस डिपार्टमेंट के द्वारा ये आपका लगाया गया, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया। तो जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा आपका, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी, जो कि पार्ट है किसका, DRDO का, ठीक है। जो कि पार्ट है आपका किसका, DRDO का, ठीक है। तो जिसके द्वारा आपका ये अभी रिसेंटली कियोस्क डेवलप किया गया। तो अगेन यहाँ पे ना दो तीन चीजें आपको पूछी जा सकती है, ठीक है। जैसे जो DRDL है उसका हेडक्वार्टर या फिर ये कहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, हैदराबाद के अंदर। और किसके द्वारा डेवलप किया गया, या फिर आपका कोवसेक के बारे में आपको इवन फुल फॉर्म या एब्रीविएशन आपको पूछा जा सकता है। तो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, जिसको आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, हु हैज रिकमेंडेड फेज वाइज लिफ्टिंग ऑफ द लॉकडाउन बेस्ड ऑन द इंसिडेंस ऑफ कोविड केसेस इन इट्स रिपोर्ट टाइटल एग्जिट फ्रॉम लॉकडाउन। तो अभी एक ऑर्गेनाइजेशन जिसके द्वारा एग्जिट फ्रॉम लॉकडाउन के नाम से एक आपका रिपोर्ट रिलीज किया गया, ठीक है। तो अगर आप उस रिपोर्ट को स्टडी करेंगे तो तीन फेजेस आपका, फेज वन, फेज टू, फेज थ्री, कुछ ऐसी चीजें मैंने आपको जो पढ़ाई थी, ठीक है। फेज वन जिसमें आपका फार्मास्यूटिकल कंपनीज या अदर्स इनको ओपन करने का बात किया गया, फेज टू आपका जिसमें एग्रीकल्चर एंड ऑल, और फेज थ्री आपका अगर ये दोनों हो जाते तो जो रिमेनिंग होंगे उनको आपका फेज थ्री करना। जैसे आज 20 अप्रैल, आज से बहुत सारे जो ऑनलाइन या जो अदर फैसिलिटीज है वो स्टार्ट की जाएंगे और उनके रिगार्डिंग सर्कुलर आपका रिलीज किया जाएगा, ठीक है। तो अभी ये किसके द्वारा दिया गया था, तो राइट आंसर क्या होगा आपका, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, CII, जिसके द्वारा ये अनाउंसमेंट किया गया था, ठीक है। सो एग्जिट फ्रॉम लॉकडाउन भारतीय उद्योग परिसंघ की इस रिपोर्ट के हिसाब से तीन फेजेस आपका जो आपको बताए थे, और अभी आज के डेट से आपका जो अनाउंसमेंट इवन आपको देखने के लिए मिलेंगे। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री प्रेसिडेंट हैज instructed his administration to halt funding to the World Health Organization WHO. So WHO या World Health Organization, विश्व स्वास्थ्य संगठन को जो funding आपका किया जाता है, उस funding को आपका रोकने का बात किया गया एक country के द्वारा। कहीं ना कहीं जो WHO की जो role and responsibilities है उनको proper नहीं निभाया जा रहा है, ये इस देश का कहना है और यहाँ के president का। So right answer क्या आपका, और सबसे बड़ा funder है WHO के अंदर, almost 15% का जो फंडिंग है ना वो किसके द्वारा किया जाता है आपका, इस पर्टिकुलर कंट्री के द्वारा। तो जो राइट आंसर है वो है आपका US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है। तो USA जो कि करेक्ट आंसर है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, और WHO का जो सबसे बड़ा फंडर है एट प्रेजेंट वो है आपका US, ऑलमोस्ट 15%। सेकंड नंबर पे आता है आपका बिल एंड मेलिंडा गेट फाउंडेशन, जो कि 9.76% का फंडिंग करता है किसके अंदर आपका, WHO या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपका। अगला क्वेश्चन, which of the following has launched देखो अपना देश, एक कैंपेन आपका, एक वेबिनार सीरीज, अ वेबिनार सीरीज फ्रॉम अप्रैल 2020 टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन द मेनी डेस्टिनेशंस एंड द कल्चर एंड हेरिटेज ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया। सो अतुल्य भारत के ऊपर आपका एक वेबिनार सीरीज स्टार्ट किया गया, जिसको नाम दिया गया है देखो अपना देश, जिसमें पहला जो शो था वो था आपका दिल्ली के बारे में, ठीक है। तो दिल्ली शहर किस तरीके से आपका बसाया गया, 2020 तक आपका या 22 तक आपका क्या क्या प्लान है दिल्ली सिटी के लिए, वो सारी चीजें। तो किस डिपार्टमेंट के द्वारा ये वेबिनार कंडक्ट किया जा रहा है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, ठीक है, पर्यटन मंत्रालय, जिसके द्वारा अभी रिसेंटली ये आपका जो अनाउंसमेंट किया गया था, ठीक है। तो जो पहला आपका वेबिनार था वो था आपका सिटी ऑफ सिटीज दिल्ली पर्सनल डायरी, ठीक है। तो अभी अच्छा मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म या जो टूरिज्म मिनिस्टर है उसको किसके द्वारा लेड किया जा रहा है, जरा कमेंट्स के थ्रू बताएंगे, ठीक है। सो अभी आने वाले समय में 15 मेजर लोकेशन जिनके ऊपर ये वेब सीरीज होगा, जिसमें पहला दिल्ली के बारे में और दूसरा आपका सिटी ऑफ कोलकाता के बारे में। तो सिटी ऑफ सिटीज दिल्ली पर्सनल डायरी के नाम से जो पहला शो रिलीज किया गया था। अगला क्वेश्चन, When is World Art Day? विश्व कला दिवस कब मनाया जाता है, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया करंट अफेयर्स ये जो लास्ट वीक के अंदर। तो राइट आंसर क्या था आपका, 15th of April, तो 15 अप्रैल जब आपका मनाया जाता है विश्व कला दिवस। अगला क्वेश्चन आपका, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च प्रोजेक्ट स्माइल फॉर ई लर्निंग एट स्कूल। सो अभी एक स्टेट गवर्नमेंट आपका जिसके द्वारा एक कैंपेन आपका किया गया, जो कि किस नाम से, प्रोजेक्ट स्माइल के नाम से। और गाइस ये आपका क्या रहेगा, क्वेश्चन ऑफ द डे, ठीक है। सो क्वेश्चन ऑफ द डे आपके लिए जो है वह है प्रोजेक्ट स्माइल के बारे में, ठीक है। तो प्रोजेक्ट स्माइल जो कि इवन मैंने आपको बताया था, तो इस आपका जो प्रोजेक्ट स्माइल के जो फीचर्स हैं या फिर अभी
कोविड-19 के ऊपर आपका जितने भी जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं, तो आपको एक एक पैरा मुझे लिख के बताना कि आपका जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स ऑन कोविड-19 या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा क्या क्या इनिशिएटिव लिए गए उन सभी के बारे में, ठीक है। तो ये आपका जो कि रहेगा आपका क्वेश्चन ऑफ द डे गाइस। इसके अलावा आरवे ग्रेड भी जिसका बैच आपका लॉन्च किया गया, ठीक है, लाइव कोचिंग जिसपे आज आपका यूट्यूब के ऊपर सेशन किए जाएंगे, नंबर ऑफ सेशन जिसमें जनरल अवेयरनेस, इसके अलावा रीजनिंग आपका, देन मैथमेटिक्स, एंड आपका जो अगला जो पॉइंट होगा वो होगा आपका इंग्लिश के ऊपर, ठीक है। तो सेशन को जरूर ज्वाइन कीजिएगा और डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक दिया गया है जहाँ पे आप आरबीए ग्रेड बी से रिलेट करते हुए कोचिंग या फिर जो भी अगर आपको कोई भी ऐसा प्रैक्टिस याद है चाहिए उन सभी के लिए। अगला सेशन हमारा होगा 11:30 पे गाइस, डू नोट डाउन दिस वन, स्पेशल अनाउंसमेंट फॉर ऑल ऑफ यू, ठीक है। सो अभी हम लोगों ने एक नया सेशन आपका स्टार्ट किया है जो कि स्टार्ट होगा 11:30 AM पे, ठीक है। सो 11:30 पे हम लोग आपका एक सेशन करने वाले हैं जिसमें जो कल और आज के बीच में जो करंट अफेयर्स है उनके ऊपर जो 15 क्वेश्चन है, ठीक है। सो 15 क्वेश्चन आपका और 15 मिनट के अंदर हम लोग इनको सॉल्व करेंगे, तो 15 मिनट 15 सवाल, ठीक है। सो 15 मिनट का एक शॉर्ट शो जिसको हम लोग करेंगे, तो आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे उस सेशन को जरूर ज्वाइन कीजिएगा जिससे कि हम लोग आपका पूरा जितने भी जो पॉइंट्स है या जितने भी जो की इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है उन सभी के ऊपर आपका प्रैक्टिस कर सके। तो आइडिया क्या है, आज पढ़ना है और आज ही चीजों को क्लियर करना है या रटना है या फिर समझना है, ठीक है। सो आई होप सभी ने सेशन को एंजॉय किया होगा, अगर सेशन पसंद आया तो शेयर जरूर करें और लाइक जरूर कीजिएगा। अगला जो सेशन होगा आदित्य सर का, जिसमें सर आपको एडिटोरियल कराएंगे और जो भी बर्निंग इश्यूज है उनके बारे में, ठीक है। तो ग्रामर रूल्स प्लस आपका कॉन्सेप्ट बिल्डिंग वहां पे होगा, तो उसको अटेंड जरूर कीजिएगा। इसके अलावा नंबर ऑफ इवेंट्स, तो मैंने आपको बताया करंट अफेयर्स स्पीड क्विज, तो अभी सेशन खत्म होते ही ये इवेंट्स आपको ऑलरेडी यूट्यूब चैनल के ऊपर मिल जाएगा, तो इसका आपका अपना रिमाइंडर सेट कर लीजिए, जैसे ही ये सेशन आपका स्टार्ट होगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो सेशन कैसा लगा जरूर बताएगा आफ्टर सेशन कमेंट्स के थ्रू, आई होप आप सभी ने सेशन को एंजॉय किया होगा, ठीक है। और अभी के सेशन के लिए हम लोग इतना ही करेंगे, तो टॉप 50 इवेंट्स आपने आपका स्कोर क्या रहा है आफ्टर सेशन मेरे साथ जरूर शेयर करिएगा, और इसके अलावा जो भी जितनी भी एक्टिविटीज आपका यूट्यूब चैनल के ऊपर किया जा रहा है उसमें ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करें। सो गाइस अभी के लिए इतना ही करते हैं आपका, ठीक है। थैंक यू सो मच पुनीत, अमनदीप, पल्लव, ऋषिका, रामू, अजय, आशा एंड ऑल। सो गाइस फिर से मिलते हैं आपका 11:30 पे। दिस इज इट फॉर माय साइड, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन, बाय बाय, टेक केयर ऑल।